sound. Back to the sound. Good morning friends, welcome to my channel. मैं विवेक सिंह, आज आप लोग के लिए R5M का मॉन्स्टर वर्जन, इसके बारे में फुल रिव्यू आपको दूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहो। आपको क्या इसकी डिटेल्स है, आपको एक एक डिटेल्स पूरा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो, आपको फुल डिटेल्स मैं देता हूँ। ओके गाइस, तो पहले हम लोग फ्रंट की बात करेंगे, तो आइए हम लोग फ्रंट से देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिडिल में आपको प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है। साइड वाइज आपको DRL दिख जाएगा, जो कि आपको बहुत थिन टाइप का दिया गया है वर्जन 4 में भी, और आपको मॉन्स्टर वर्जन यानी R5M में भी। तो ये दोनों आपका जो है वो आपको काफ़ी न्यू लुक में देखने को मिलता है, आप साइड से देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मिडिल में आपको मॉन्स्टर का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पे साइड से आपको लोगो मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको कंपनी ब्रांडिंग मिल जाता है। उसके बाद फिर अगर वाइज़र की बात करें, तो वाइज़र जैसे हम लोग करवाते थे, हम लोग मार्केट में लगवाते थे बबल वाइज़र, तो वो मेरे को अलग से लगवाना पड़ता था हम लोग को। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वाइज़र जो है इसमें पहले से ही लगाया आपको मिलेगा, प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, तो वो काफ़ी बेहतर ही है। और अब अगर हम साइड फेयरिंग की बात करें, तो साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको R5M की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको मॉन्स्टर की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको मॉन्स्टर का आपको फुल लोगो और ब्रांडिंग दोनों मिल जाता देखने को साइड फेयरिंग पे। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको मडगार्ड पे भी आपको यहाँ पे यामाहा मॉन्स्टर का ब्रांडिंग आपको साथ में दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको साइड में ABS का ब्रांडिंग मिल जाएगा इसका। हाँ, मडगार्ड काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का आपको इसमें मिल जाता है, तो वो तो सही है। और आपको यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो स्कोप है वो आपको USD फॉग मिलेगा, और ये आपको KYB का ब्रांडिंग के साथ मिलता है। इससे पहले आप अगर देखते होगे R5 वर्जन 3 BS6 में ही, लेकिन उसमें क्या था कि आपको ये आपको देखने को नहीं मिलता था USD फॉग वगैरह। तो ये मतलब R5 ने बहुत ही बेहतर किया है, और काफ़ी इसको स्पोर्टी लुक दिया गया है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो साइड फेयरिंग है, साइड फेयरिंग को पहले से बढ़ा दिया गया है ताकि आपको एरोडायनेमिक काफ़ी अच्छा हो। हाँ, ये आपको पहले से जो है काफ़ी बेहतर हो गया, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो उसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है। अगर आप यूज करना चाहते हो R5, अगर लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप R5 वर्जन 4 लेने में या फिर R5M लेने में कोई हिचक नहीं करो, आप बेझिझक ले सकते हो। मेरे को तो पर्सनली मॉन्स्टर वर्जन काफ़ी पसंद आया। मैं एक और आपको बेस्ट चीज़ इसमें क्या बता दूं कि आप यहाँ पे देखो मॉन्स्टर के यहाँ ब्रांडिंग तो है, और यहाँ आप देखो क्विक शिफ्टर, आपको R5M में और R5 वर्जन 4 दोनों में क्विक शिफ्टर मिलता है, बट R5 वर्जन 4 में आपको सिर्फ ब्लू वाले में क्विक शिफ्टर पहले से देखने को मिलेगा प्री इंस्टॉल्ड। और R5M यानी मॉन्स्टर वर्जन और R5M जो नॉर्मल आपको कलर है मतलब ग्रे वाला, उसमें भी आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। तो इसमें आपको जो क्विक शिफ्टर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्विक शिफ्टर यहाँ पे आपको लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो है ये आपका क्विक शिफ्टर हो गया। तो मतलब क्विक शिफ्टर आपका इसमें दिया गया है 150 cc के सेगमेंट में, मतलब काफ़ी बेहतर है यार, क्या मैं बोलूँ अब। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये इसमें आपको गोल्डन कलर का यहाँ लोगो मिल जाता है, पहले यहाँ पे सिर्फ आपको स्टिकर मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको अब 3D ब्रांडिंग के साथ ये मिल जाएगा लोगो यामाहा का। और आपको अगर टैंक पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मॉन्स्टर यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये आपको डुअल टोन कलर में मिल जाता है, जो कि आपको मिडिल में ब्लू है और साइड वाइज ब्लैक है, दोनों साइड आपको ये जो लोगो है आपको दोनों साइड ही देखने को मिलेगा जो कि ओके। नाउ इसके अगर हम लोग फ्यूल कंजम्पशन की बात करें, तो ये आपको जो है फ्यूल आपको 11 लीटर की देखने को मिल जाएगी, 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। हाँ, फ्यूल टैंक जो है आपको पहले से लगेगा, ऐसा फील होगा देखने पे कि जो पहले से थोड़ा सा छोटा है, बट ये थोड़ा सा वाइड ही किया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो आपको विंग के लिए पास होने के लिए विंड के लिए है, ये आपको पहले यहाँ होता था इस जगह पर, बट ये आपको मूव करके आगे कर दिया गया है, तो ये आपको काफ़ी एरोडायनेमिक सही देगा। और वाइज़र के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको, ये जो है पहले से चौला किया गया है ताकि आपको एरोडायनेमिक सही हो जाए। और एक और आपका जो ये हैंडल है, तो आप हैंडल पे देख सकते हो USD फॉग के साथ आपको कैप देखने को मिलता है, ये लेकिन आपको R5 वर्जन 4 में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको मॉन्स्टर वर्जन और R5M दोनों में ही देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर लुक की बात करूँ, तो लुक आप साइड से एक देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लुक दिया गया है, एक बार इसे देख लो आप, उसके बाद फिर आप तो फैन हो ही जाओगे।
R15M का कौन सा वर्जन अच्छा लगता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, R15M मॉन्स्टर वर्जन या फिर R15M का ये आपको सिल्वर वर्जन, ये आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है या फिर मॉन्स्टर वर्जन, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके अब हम लोग साइड वाइज बात कर ले, इंजन की बात कर लेते हैं और फिर रेयर की बात करते हैं। फ्रंट की तो मैंने बात कर ली, फ्रंट की मैंने बता दिया आपको। साइड वाइज यहाँ पे आपको मिरर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ वाइज़र आपको जो बबल वाइज़र मिल जाता है आपको, साइड फेयरिंग पे आप देख सकते हो यहाँ पे यामाहा R15M की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे VVA टेक्नोलॉजी जो आपको इसमें दिया गया है वो आपका आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। फिर यहाँ पे क्विक शिफ्टर का आपको स्टिकर मिल जाएगा, फिर आपको मॉन्स्टर का यहाँ पे आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने आपको USD फॉग के बारे में बता दिया, यहाँ पे आपको QIB की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो अब हम लोग टायर की बात कर लेते हैं। तो टायर जो है आपको 100 सेगमेंट का मिल जाता है, और डिस्क की बात करें तो डिस्क जो है आपको 282 mm की आपको देखने को मिलेगी, सिंगल डिस्क फ्रंट, और सिंगल डिस्क की आपको फ्रंट रेयर में भी देखने को मिलेगी, डुअल चैनल ABS के साथ आपको यहाँ मिल जाता है। और अब हम आते हैं रेयर की बात कर लेते हैं डिस्क की। रेयर डिस्क जो है आपको 220 mm की देखने को मिलेगी, और इसका जो टायर का बात करेंगे तो टायर जो है आपको 140 सेगमेंट का देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके चेन की बात करें तो आप चेन देख सकते हो, इसका आपको नेकेट देखने को मिलता है। तो चेन आपको 400 to 500 किलोमीटर चलाने के बाद फिर आपको इसको क्लीन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ऑल इंडियन बाइक्स में कंपलसरी है इंडियन रूल के हिसाब से, मतलब ट्रैफिक रूल के हिसाब से। और एक और प्रीमियम चीज़ मेरे को इसमें क्या देखने को लगा, जो कि है इसका एग्जॉस्ट के ऊपर आपको कवर, ये आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है, जो कि आपको R15 वर्जन 4 में तो देखने को मिल रहा है, बट R15 वर्जन 3 में देखने को नहीं मिलता था। वो आपका सिंगल बस या आपका जो एग्जॉस्ट है वो होता था, बट R15M और R15 वर्जन 4 दोनों में ही आपको ये कवर मिलता है एग्जॉस्ट का, जो कि आपको अगर R15M लोगे तो R15M में आपको सिल्वर कलर ये कोटेड मिलता है एग्जॉस्ट का। आप इसका सस्पेंशन देख सकते हो, मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, आपको ये येलो कलर का आपको देखने को मिल जाएगा R15M में। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो क्या है कि इसका जो इंडिकेटर है उस पर हजार्ड ऐड किया गया है। तो मतलब जो आप बाहर से आप लगवाते थे वो आपको बाहर से ऑन मार्केट आपको करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके इंडिकेटर पे। बट एक चीज़ मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा इसका डिमेरिट लगा, क्या इसका जो आपको इंडिकेटर दिया गया है वो अभी भी हाइलोजन है। मतलब इतना स्पोर्टी लुक देने के बाद भी R15M मॉन्स्टर वर्जन, जो कि लिमिटेड एडिशन है, अगर आप ये लेना चाहते हो तो आपको जितना जल्दी आप बुक करवाओ आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर ये अब जैसे ही स्टॉक आउट होगा उसके बाद फिर हो सकता है कि दूसरे कलर में आए, बट ये कलर नहीं होगा। तो अगर आप R15M मॉन्स्टर वर्जन चाहते हो लेना तो आप जल्दी से जल्दी शोरूम जाओ, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में तो आपको नंबर दूंगा, और अगर पटना में रहते हो तो आप आके विज़िट कर सकते हो। और जहाँ तक अब इसके इंजन की हम लोग बात करते हैं, तो आगे की तो हम लोग बात कर ली है, साइड फेयरिंग की बात कर दिया मैंने, और अब इसके इंजन की बात की जाए तो आइए हम इंजन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात कर ले। तो सबसे पहले तो इसका इंजन जो है आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाएगा, और ये आपका जो है 155 cc की इंजन इसमें आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जो कि 1 डाउन एंड 5 अप होंगे। उसके बाद फिर अगर आप बोलोगे सिलेंडर इसमें कितना होता है, तो इसमें सिंगल सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको BS6 है तो ये आपका FI इंजन होगा। उसके बाद फिर अगर इसकी हम बात करें मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क की, तो मैक्सिमम पावर जो है ये आपको 18.4 BHP का पावर जनरेट करेगा एट 10,000 RPM, एंड मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपको 14.2 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM पे जनरेट करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़, साइड स्टैंड की बात करें तो साइड स्टैंड जैसे अगर आपका लगा हुआ है तो आपका इंजन कट हो जाएगा, मतलब आप इंजन स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगा अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसके टॉप स्पीड एंड माइलेज की बात करें। तो माइलेज जो है आपका कंपनी इसकी क्लेम करती है 40 किलोमीटर पर लीटर, एंड इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 100 कंपनी बोलती है कि 10.1 सेकंड में ये अचीव कर लेती है। और इसका टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है, बट टॉप स्पीड का भी हम लोग वीडियो लाएंगे, तो आप हम लोग के चैनल के साथ बने रहिए। हमने पावर एंड परफॉर्मेंस की तो पूरी बात कर ली, अब चलिए इसकी सीटिंग कम्फर्ट की हम लोग बात करते हैं। हम लोग आ जाते हैं इसके सीट पे। तो सीट जो है आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट जो है आपको पहले से बढ़ गया है, क्योंकि इसका जो आप सॉफ्टनेस ज़्यादा आ गया है इसमें आपको।
आप या फिर ड्राइवर सीट की बात करो या फिर आप पिलियन सीट की बात करो, दोनों में ही आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको R15M की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसका सीट आप देख रहे हो, ये आपको कार्बन फिनिश के साथ मिल रहा है। आपको फ्रंट सीट और रियर सीट, मतलब यानी पिलियन सीट, दोनों ही आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ मिलता है। ये कार्बन फाइबर का वैसे है नहीं। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको साइड वाइज, ये आप देख सकते हो, ये जो आपका इसको वाइड किया गया है ताकि आपको पिलियन को बैठने में आसानी हो और एरोडायनेमिक इसका सही रहे और यहाँ से एयर आराम से पास कर जाए। तो यहाँ तक तो आप मैंने जान लिया। सीट हाइट में कोई चेंजिंग नहीं आया है, जो आपका R15 वर्जन 3 में था वही आपका R15 वर्जन 4 में है। 815 मिलीमीटर है। और एक और मैं आगे बता दूं आपको, इसका हैंडल जो है वो थोड़ा सा अप किया गया है ताकि आपको जो है इसको ड्राइव करने में आसानी हो, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप देख सकते हो R15 वर्जन 3 जो था उसमें आपको ये चीज़ का प्रॉब्लम होता था, क्या कि आप जो बैठते थे तो आपका सिटिंग पोस्चर जो था वो काफ़ी डाउन हो जाता था, उससे आपको जो आपका बैक पेन हो जाता था। लेकिन इसमें जो आपका सिटिंग पोस्चर काफ़ी सही रहेगा तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सिटिंग पोस्चर में। ये आपको क्लिप ऑन हैंडल मिल जाता है, फिर स्लिपिंग क्लचर, ये आपको हजार्ड का बटन मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे से आप ट्रिप चेंज कर सकते हो इस जगह से। ये आपको ट्रिप जो है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको डायग्राम की हेल्प से, एक डिजिटल डायग्राम की हेल्प से मैं बता देता हूँ उसके बारे में क्या है वो चीज़। उसके बाद फिर आप समझ जाओगे क्या आपको इसका जो मीटर है, मीटर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, उससे आपको आसानी में आप समझ सकते हो। इसमें जो आपको दो आपको मोड मिलेगा, जो कि आपको एक स्ट्रीट मोड है और आपको ट्रैक मोड है, दोनों में ही आपको उसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ आप जान लो कि इंजन पे उससे कोई परफॉर्मेंस पे आपको अंतर नहीं आने वाला है। जैसे कि आप हायर सीसी का इंजन में देखते होगे, उस पर आप अगर ट्रिप चेंज करते हो, मान लो कि रेस मोड या फिर अगर स्ट्रीट मोड पे जाते हो तो उसमें आपको पावर परफॉर्मेंस का अंतर पता चलता होगा, बट इसमें आपको वैसा कुछ फील नहीं होगा। हाँ, आपको जो आपका मीटर है उस पर आपको देखने को मिलेगा, जो जो देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी फ़िलहाल। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये आप देखो इसका, वाओ क्या इसका मीटर कंसोल है। और एक और चीज़, इसमें मीटर कंसोल में आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गियर का आपको यह मोड शो करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो स्ट्रीट मोड और फिर रेसिंग मोड, यहाँ पे आपका मोड चेंज कर सकते हो यहाँ पे से आप। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको तो मीटर शो कर रहा है, यहाँ पे फ्यूल आपको शो कर जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आप इसमें देखने को क्या मिलेगा आपको, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको वर्जन 4 प्लस R15M दोनों में ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप अगर ले रहे हो R15M या R15 वर्जन 4 तो आप बहुत ही हैप्पी होने वाले हो इसके। ओके गाइज, तो मैं आपको इस डिजिटल डायग्राम के हेल्प से पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ मीटर कंसोल के बारे में। तो आप सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रिपल डॉट देख सकते हो, वहाँ पे आपको SMS या ईमेल वगैरह अगर आपके मोबाइल पर आता है तो वहाँ पे आपको अलर्ट शो करेगा। अगर कॉल आता है तो उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो कॉल का अलर्ट है, वहाँ पे आपको कॉल अलर्ट शो करेगा। उसके बाद फिर हम बात करें बैटरी परसेंटेज की, तो बैटरी परसेंटेज जो है वो आपको अपवर्ड साइड में आप देख सकते हो राइट हैंड पे, वहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो करेगा मोबाइल का, वो सभी चीज़ आपको मीटर कंसोल पर शो करेगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की ओर, आप देख सकते हो वहाँ पे TCS लिखा हुआ, वो अगर लाइट जलता है तो आप समझो कि वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑन है, अगर वो लाइट नहीं जल रहा है तो समझो कि आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, आप अपवर्ड साइड में देख सकते हो 5 डॉट्स दिख रहे वाइट करके, वो आपको गियर शिफ्टिंग टाइम इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, तो मैंने बताया था आपको इसके मोड के बारे में, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। तो इसमें आपको जो मोड है वो आपको चेंज होगा, उस पर आपको क्या क्या होगा वो मैं बताता हूँ, बट ये आप जान लो कि इंजन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसके पावर पे कोई परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, इसके जैसे कि आप ट्रैक मोड पे जाओगे या फिर स्ट्रीट मोड पे, तो ट्रैक मोड पे अगर हो तो आपको शो करेगा उस पर लेटेस्ट लैप टाइम और फास्टेस्ट लैप टाइम। अगर स्ट्रीट मोड पे हो तो आपको एवरेज माइलेज, एवरेज स्पीड, उसके बाद फिर कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी पावर, ये सब चीज़ें आपको इसमें शो करेंगी। होप सो मैंने मीटर कंसोल के बारे में आपको पूरा डिटेल्स दे दिया है। अगर कुछ मुझसे बच गया हो तो आप मेरे से कमेंट करो, कमेंट में बता दूंगा मैं।
ओके गाइज, लेट्स एंड द वीडियो। यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो हमारा तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे हम लोग को थोड़ा और मोटिवेशन मिले और इस तरह के हम लोग नया नया वीडियोज़ लेकर आते रहें आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।